देहरादून भाजपा मुख्यालय में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आज पत्रकार वार्ता का अपने विभागों में किए गए कार्यों का ब्यौरा जनता तक रखा। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित 6,336 लाभार्थियों को 5,000 के चेक वितरित किए गए हैं। 771 लाभार्थी जिनके घर टूटे हैं उनके 44,41,300 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। हरिद्वार को आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसके चलते 3 महीने का बिजली और पानी का बिल माफ किया गया है। चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब में 19 अगस्त तक 47,11,075 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए टूरिस्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में विभिन्न संगठनों का निर्माण किया गया है, जिसमें मंदिरों को चयनित किया गया है, जिसमें गढ़वाल के 12 मंदिर और कुमाऊं के 12 मंदिरों को चयनित किया गया है। सीमांत क्षेत्र के गाँव के सुविधाओं के लिए केंद्र से शुरू की योजना का हमने योगदान किया है। देश का प्रथम माना गांव में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए डिवोशन महादेव नीति घाटी के तहत उसका विकास किया गया है, जिसको शिवलोक कहा जाता है। आइए सुनते हैं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने क्या कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागिला न्यूज चैनल। जनपद के आपदा राहत के अंतर्गत सरकार द्वारा 24,991 लोगों को 13,32,61,327 रुपए की सहायता दी जा चुकी है। इस क्रम में मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निम्नवत घोषणाएं करवाने का अनुरोध मैंने किया है, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, जिसमें हरिद्वार में पानी में डूबे क्षेत्रों को आपदा ग्रसित क्षेत्र घोषित किया गया है। 3 माह की बिजली और पानी के बिल माफ किए गए हैं। सरकार ने बैंकों से आग्रह किया है कि ऋण वसूली पर फिलहाल 3 महीने की रोक लगाई जाए। इसके अतिरिक्त जो सरचार्ज है वो भी रोका गया है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा नदियों को चैनलाइजेशन करवाए जाने और समुचित ड्रेनेज की व्यवस्था कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं, और इसके लिए हम ड्रेनेज का सेक्शन भी बना रहे हैं।